हाय स्टूडेंट्स, आई एम आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है प्रॉब्लम सम्स रिलेटेड टू सम। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। देखो एपी गिवन है, आपसे पूछा है हाउ मेनी टर्म्स। तो अब यहाँ पर ना हम पहले फैक्ट्स इसमें से निकाल कर लिखते हैं कि क्या क्या प्रोवाइडेड है। हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, डैट मीन्स आपसे एन पूछा हुआ है। एपी गिवन है, डैट मीन्स आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है 9, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल ही सकते हो अगर एपी गिवन है, डैट इज T2 माइनस T1, 7 माइनस 9, जो कि हो जाएगा -2, है ना। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब SN गिवन है आपके पास 636। मैंने SN क्यों लिखा है, N के बारे में मुझे कुछ नहीं पता तो SN लिख देता हूँ। अब देखो इन गिवन चीज़ों से आप किस तरीके से N निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों फॉर्मूले लिखोगे जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया था। एक फॉर्मूला है AN का, डेट इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और एक फॉर्मूला है SN का, डेट इज N बाय 2 टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब टिक करोगे जहाँ जहाँ पर आपके पास वैल्यूज गिवन है। फॉर एग्जांपल एन मिसिंग है तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे नहीं पता, यहाँ पर भी मुझे नहीं पता। ए की वैल्यू 9 है तो मैं यहाँ पर भी टिक कर रहा हूँ, यहाँ पर भी टिक कर रहा हूँ कि वैल्यू डाल सकता हूँ। डी की वैल्यू -2 है तो डी यहाँ पर भी डल सकता है और यहाँ पर भी डल सकता है। एस एन इज 636 तो इधर भी पुट हो सकता है। अब आप क्या देख रहे हो, इसमें से दो वैल्यूज मिसिंग है ए एन और एन की, तो यहाँ से तो नहीं हो पाएगा। बट अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यू हैव ओनली एन मिसिंग, बाकी सब वैल्यूज गिवन है, डैट मीन्स इक्वेशन यहाँ से बनेगी और आपके पास एन की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करोगे, आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज डालोगे। मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूँ, आप सॉल्व करके दोगे एन की क्या वैल्यू है। एस एन की जगह आप डालोगे 636, एन बाई 2 एज इट इज 2 इंटू ए की जगह आप डालोगे 9, तो 2 इंटू 9 हुआ 18, प्लस n माइनस 1 एज इट इज क्योंकि n मिसिंग है, d की वैल्यू आपके पास है -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब इस इक्वेशन को आप मुझे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अरेंज करके दोगे, बिकॉज ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप इसको प्रॉपर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करोगे। पहले -2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आएगा उसमें नंबर वाली टर्म एडअप हो जाएंगी, बाकी एज इट इज रह जाएंगी। n बाई 2 में से 2 इधर जाएगा और n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप करके दोगे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट होगी यहाँ से। मैं क्वाड्रेटिक क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज एन कहीं ना कहीं एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वायर तो बन जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्राफ्ट करके दोगे, कैसे बनेगी इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, बिफोर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एन की वैल्यू भी आप मुझे कैलकुलेट करके दोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करोगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता कि कैसे निकालना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज T1 गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 45। किसी भी एपी में पहली टर्म गिवन है और आखिरी टर्म गिवन है, और सम है 100, पूरी एपी का सम 100 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और कितनी टर्म्स आती हैं एन फाइंड करना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूँ क्या क्या प्रोवाइडेड है। ए आपके पास 5 है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म आपके पास 45 है। तो मैं इसको कह रहा हूँ लास्ट टर्म इज डेजिग्नेटेड एज nth टर्म, है ना। हम कह रहे हैं कि n नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो an लास्ट टर्म बन जाएगा, तो an इज इक्वल टू 45। ठीक है, सम है 100, मतलब sn सारी की सारी ap का ले रहा हूँ। अगर मैं n नंबर ऑफ टर्म्स मान रहा हूँ ap के अंदर, तो an होगा लास्ट टर्म और sn होगा सम टिल द लास्ट टर्म। ठीक है, वो आपके पास गिवन है 100, तो आपको क्या निकालना है, n फाइंड आउट करना है एंड d फाइंड आउट करना है। देखो इसके अंदर भी हम वही मेथड अप्रोच करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी फॉर्मूला लिखा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ठीक है, आप टिक कर दो जो जो सी वैल्यू गिवन है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हम किस फॉर्मूले की तरफ अप्रोच करने वाले हैं। ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ टिक कर दो, यहाँ टिक कर दो। उसके बाद लास्ट टर्म 45 है तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, ये गिवन है मेरे पास। उसके बाद एस एन है 100, तो एस एन 100 है तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। एंड एन एन डी मिसिंग है तो यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या आप किसी एक इक्वेशन से रिलेट कर सकते हो? नहीं। आप ये सोचोगे यार किसी एक इक्वेशन के अंदर आपके पास सिर्फ एक टर्म मिसिंग नहीं है, इधर भी दो टर्म्स मिसिंग है और इधर भी दो टर्म्स मिसिंग है। जहाँ पर n और d मिसिंग है, यहाँ पर भी n और d मिसिंग है। डैट मीन्स आपके पास यहाँ n और d के बीच में इक्वेशंस बनेंगी। एक इक्वेशन आप यहाँ से सेट करके दोगे n और d के बीच में,
एक इक्वेशन आप एनओडी के बीच में यहाँ से सेट करोगे। अब मैं थोड़ी सी हेल्प देता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ सेट करता हूँ इक्वेशन तो आपके पास क्या बनेगी, ए एन आपके पास गिवन है 45, तो यहाँ पुट जाएगा 45, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरी इक्वेशन आपके पास यहाँ से सेट हो जाएगी, एस एन, एस एन इज 100, दिस इज इक्वल टू एन बाय 2, 2a, 2 इंटू ए इज 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एक चीज़ स्पॉट करना कि n-1 into d पूरा का पूरा यहाँ भी प्रेजेंट है और n-1 into d पूरा का पूरा यहाँ भी प्रेजेंट है और दोनों में n और d सेम है, तो क्या मैं इस पूरे की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट नहीं कर सकता? एग्जैक्टली तो अब हम यही करेंगे। अगर मैं यहाँ से n-1 into d की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आएगा, 5 इधर आ गया, 45 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू n-1 into d, तो आपके पास इसकी वैल्यू 40 निकली है। ठीक है, आपको नहीं पता n और d कितना है, बट n माइनस 1 इंटू डी की जगह तो आप सीधा सीधा 40 पुट कर दोगे, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यू कैन सब्स्टिट्यूट एज 40। क्लियर है? अब आपके पास क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, यहाँ से आप मुझे n निकाल कर दोगे, n कितना आएगा, सीधा ऐड करोगे, ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके ट्रांसपोज करके n की वैल्यू मुझे निकाल कर दोगे कि n कितना है। एक बार n निकल गया, यू विल फाइंड आउट d बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। यहाँ पर देखो n पुट कर दोगे तो d भी निकल जाएगा, ठीक है, n और d की वैल्यूज मुझे आप प्रोवाइड करोगे। चलो, दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ, नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.